बताओ क्या क्या होती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टार्टिंग से बताओ मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाया था। ठीक है और कुछ। ठीक है चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है पार्टनरशिप का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। किसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स होता है साझेदारी। ठीक है जैसे कि अंकिता और मैंने कोई मिलकर क्या करा है बिजनेस करा है। उसके आधे की हिस्सेदार कौन है अंकिता है और आधे ही कौन है मैं हूँ। ठीक है कोई भी बिजनेस हमने क्या करा पार्टनरशिप पे किया। हमने दोनों ने पैसे इतने लगाए हैं और क्या करेंगे हम दोनों क्या हैं पार्टनर हैं। ठीक है कोई हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बोलेंगे कि हम वो को पार्टनरशिप पे कर रहे हैं। ठीक है समझ आया अंकिता। तुम मेरी पार्टनर हो है ना बिजनेस की। कैसे हो कैसे हो तुम मेरी पार्टनर। ठीक है लिखो इसमें पार्टनरशिप में लिखो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ACT एक्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर पर्सन हु हैड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नॉन एज पार्टनर्स
पर्सन हु हैव एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नॉन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिव एज अ पार्टनरशिप एंड कलेक्टिव एज अ पार्टनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन्स एज अ पार्टनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन्स एज अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड अ फर्म एफ आई आर एम फर्म इज कॉल्ड अ फर्म. आवाज़ नहीं आ रही अंकिता. जेबा आपको आ रही है आवाज़? खैमिश आपको आ रही है? फुरकान को क्यों नहीं आ रही है फिर? जेबा बताओ पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप हिंदी में बोलते हैं साझेदारी. ठीक है, अगर हम दो मिलकर काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट, अगर मैंने कोई काम किया उसका मैं उसमें जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो मेरे पार्टनर को भी वही होगा. ठीक है, हम कलेक्टिवली हम दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, चाहे उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसके जिम्मेदार हम दोनों ही हैं. ठीक है, हम दोनों क्या हुए फिर? पार्टनर हुए. ठीक है, ये है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्टनर इज कॉल्ड अ फर्म. और जो हमारा बिजनेस क्या है रन कर रहा है चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा फॉर्म एफ आई आर एम फॉर्म. ठीक है, लिखो अब साइलेंट फीचर्स. साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. ऐसा करती हूँ मैं ना, आपको समझा देती हूँ. नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, समझाऊँ या नोट्स भी बनवाऊँ कि बताओ. आप बताओ जेबा, नोट्स बनवाने हैं? बनवाने हैं? हाँ, मैं बाद में प्रोवाइड तो कराऊंगी कि बड़ा चैप्टर है ना ये तो. साइलेंट फीचर्स इसकी कुछ नहीं है तो, लेकिन समझ में तभी आता है ना, हम लिखते हैं है ना, समझ में भी तुम्हें तभी आएगा. चलो लिख लीजिए. फर्स्ट लिखो साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का. फर्स्ट, इन पार्टनरशिप बिजनेस, इन पार्टनरशिप बिजनेस, इन पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू और मोर पर्सन्स, इन पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू और मोर पर्सन्स अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 ज्वाइन टुगेदर टू शेयर एनी प्रॉफिट मेड बाय द फर्म. ज्वाइन टुगेदर टू शेयर एनी प्रॉफिट मेड बाय द फर्म. 20, अगर 20 पार्टनर ज्वाइन करते हैं तो 20 पार्टनर किस में होते हैं मैक्सिमम? अगर हम बैंक बना रहे हैं अपनी, बैंक की हमने कोई ब्रांच ली है तो उसमें हम मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? 20 तो होते ही हैं. तो ठीक है, आधा आधा शेयर करने के लिए. नेक्स्ट लिखो, एनी प्रॉफिट मेड बाय द पार्टनरशिप. एनी प्रॉफिट एनी प्रॉफिट मेड बाय द पार्टनरशिप मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशो. इन द एग्रीड डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशो, इन द एग्रीड रेशो यूजुअली इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यूजुअली इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म, इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म, FIRM फर्म। बाय ईच पार्टनर, बाय ईच ESEH ईच पार्टनर इन द फर्म, नेक्स्ट लिखो, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर, टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। नेक्स्ट लिखो, पार्टनरशिप इज डिजॉल्व ऑटोमेटिकली, अ पार्टनरशिप इज डिजॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द टर्म फॉर विच द पार्टनरशिप, व्हेन द टर्म फॉर विच द पार्टनरशिप वॉज एंटर्ड इनटू एक्सपायर्स, वॉज एंटर्ड इनटू एक्सपायर्स और व्हेन अ पार्टनर डाइज और रिटायर्स। अ पार्टनरशिप इज डिजॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द टर्म फॉर विच द पार्टनरशिप वॉज एंटर्ड इनटू एक्सपायर्स और व्हेन अ पार्टनर, और व्हेन WHEN, व्हेन अ पार्टनर, और व्हेन अ पार्टनर डाइज और रिटायर्स, व्हेन अ पार्टनर डाइज DIES डाइज और रिटायर्स। ठीक है, ये तो क्या होता है इसकी पार्टनरशिप के साइलेंट फीचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझा देती हूँ, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी बाद में। ठीक है, तो फिर आप, या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो उनको। एडवांटेजेस क्या क्या होती है जब हम पार्टनरशिप पे काम करते हैं, जैसे अंकिता और मैंने अपना दोनों ने क्या करा, पार्टनरशिप पे काम किया। ठीक है, तो हमने आधा पैसा किसी ने लगाया, अंकिता ने लगाया, आधा किसी ने लगाया, मैंने लगाया। ठीक है, और अगर किसी दिन मुझे कुछ ज़रूरी काम हुआ तो अंकिता उस पर चली गई मेरे काम पे, हम दोनों का जो बिजनेस हमने किया है अंकिता ने उस बिजनेस को संभाला, अंकिता का को कोई अर्जेंट वर्क हुआ तो मैंने संभाला। ठीक है, दूसरी एडवांटेज। तीसरी क्या होती है कि प्रॉफिट होता है तो हम दोनों का इक्वली होता है, लॉस होता है तो इक्वली। ठीक है, ये सब इसके एडवांटेजेस होती है। अच्छा है कि पार्टनरशिप का तो आपको पता होगा, अगर हम साझेदारी में कोई काम करते हैं तो दूसरे दो इंसान को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इतना ही हो रहा है, लॉस हो रहा है दोनों को हो रहा है। अगर एक एक नहीं है तो दूसरा बिजनेस को संभाल लेगा, दूसरा नहीं है तो पहला वाला संभाल लेगा। ठीक है, ये सब क्या है इसके एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अगर मेरे अकेले का बिजनेस होता तो वो मुझे ही तो होता, अंकिता को तो उसका प्रॉफिट नहीं कमाना पड़ता। ठीक है, ये होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। आया समझ? इट हैज़ बीन सीन दैट सर्टेन केसेज इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हारमनी अमंग द पार्टनर फॉर ऑफर आफ्टर फर्म हैज़ वर्क फॉर सम टाइम। मतलब क्या हुआ इसका कि लेकिन हमें बाद में वर्क करने के बाद क्या करना चाहिए, हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस ये भी है कि अगर कोई कोई किसी किसी पार्टनर की बनती भी नहीं है, ठीक है, बिजनेस करने के बाद वो उस पर झूठ इल्ज़ाम लगा देता है कि तूने तो इतना खा लिया, इतना कमाया, इतनी तो मेरे पास इतना था। ठीक है, तो ये भी क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है हमें पार्टनरशिप पे काम करने के लिए। आया समझ अंकिता, जेबा, हेमिश, आपको समझ आया? तौसीफ, तौसीफ समझ आया? ठीक है, और हर्ष दीमान समझ आया? नहीं, हर्ष,
अटेंडेंस के टाइम बोलोगे बस। फुरकान अली, समझ आया बेटा? वेरी गुड। रॉय सिंह, समझ आया? सुधांशु, सुधांशु, समझ आ रहा है? सलमान, थोड़ा थोड़ा क्यों, समझ आया क्या पढ़ा रही हूँ मैं? पार्टनरशिप, कौन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ मैं इस टाइम? ठीक है, अब लिखो काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। लिखो, लिख लिया? ये 7 तरीके के काइंड्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर हम क्या बोलेंगे एक्टिव और वर्किंग पार्टनर को? कि अगर मैंने अंकिता के साथ पैसे लगाए अपने बिजनेस में, मेरे बिजनेस में टोटल 50,000 रुपये लगे, ठीक है? 25,000 किसने लगाए? अंकिता ने लगाए, 25 मैंने लगाए। लेकिन मैं क्या कहूँगी कि मैं भी तुम्हारे साथ वर्क करूँगी, जितनी तुम मेहनत करूँगी उतनी मेहनत मैं करूँगी, तो मैं हुई एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। दूसरा आता है स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर मतलब कि हमारे बिजनेस में 50,000 रुपये लगे थे, जिसमें 25,000 किसने लगाए? अंकिता ने, और 25 किसने लगाए? मैंने। तो मैं क्या कहूँगी कि मैं सिर्फ सिर्फ जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मैं उसी को भरूंगी, बाकी मैं मेहनत नहीं करूंगी, मैं शॉप पे नहीं जाऊंगी या बिजनेस नहीं संभालूंगी, ठीक है? मैं घर बैठ के उस बिजनेस का फायदा उठाऊंगी। पैसे तो मैंने लगाए उतनी, लेकिन मैंने क्या किया उस बिजनेस में? अंकिता का साथ नहीं दिया। अंकिता ने सारा, अगर शॉप है हमारी किसी चीज़ की, तो अंकिता ने सुबह शाम तक उसमें मेहनत की, और मैं क्या, मैं घर पर बैठी हूँ। तो ठीक है, मैं ये कौन से पार्टनर हुए? स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं? कि जैसे कि अगर मेरा नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा नाम क्या है, बहुत ऊंचा है। चाहे मुकेश अंबानी के एग्जाम्पल ले लो, तो मुकेश अंबानी का नाम क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उनके नाम से मैं अपना कोई फार्म स्टार्ट करना चाहती हूँ, फर्म खोलना चाहती हूँ कोई, तो क्या होगा, वो अच्छा चलेगा ना? ज़्यादा अच्छा चलेगा कि भाई ये तो मुकेश अंबानी कंपनी, इसको ले लेते हैं, ठीक है? उसमें ना तो मेरा, जैसे कि वो क्या होगा फिर, वो अगर हम मुकेश अंबानी के पास जाएंगे, हम उनको बोलेंगे कि हमें आपकी फर्म पे अपना एक बिजनेस खोलना है, तो वो और खुश होकर बोलेंगे ठीक है आप खोल लीजिए, वो मना नहीं करेंगे हमें। लेकिन उसको क्या, किसी चीज़ में साझेदारी नहीं होगी, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, उनको हम ना उनको रेंट देते रहेंगे, जितना हमारा मन करेगा हम पर मंथ दें या फिर डेली बेसिस पर दें, कि हमें बिजनेस में से 100 रुपये डेली बच रहे हैं, तो 50 रुपये किसके हैं? मुकेश अंबानी का प्रॉफिट गया। ये कौन से पार्टनर होते हैं? नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कौन होते हैं? जो सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट के क्या होते हैं? पार्टनर। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रॉफिट का ही हिस्सेदार बनूंगा, तो अगर लॉस होगा तो वो तुम्हारा होगा, ठीक है? वो कौन से होते हैं? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। और एक होता है स्विफ्ट वाला, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं? कि जैसे कि अगर मैंने दवाई का, हाँ जी क्या हुआ बोलो, सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं? कि अगर मैंने क्या करा, लाइसेंस है मेरे यहाँ से, तुम्हें, तुमने आरसीपी से क्या किया, बी फॉर्म किया या डी फॉर्म किया, तुम्हें लाइसेंस प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है? तुम अगर उस नाम से अपना नहीं खोलना चाहते हो मेडिकल, किसी को रेंट पे देना चाहते हो, तो तुम क्या हो वहाँ, सीक्रेट पार्टनर हो ना? तुम्हारा नाम भी सामने नहीं आ रहा, तुम भी सामने नहीं आ रहे, चला कौन रहा है, कोई और, तो तुम क्या हो, सीक्रेट पार्टनर, ठीक है? माइनर पार्टनर होते हैं जो 18 से कम होते हैं, लेकिन वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो फायदा उठवाते हैं, वो होते हैं माइनर पार्टनर। फिर लास्ट होते हैं 7th वाले, पार्टनर बाय एस्टोपेल, ये भी एक पार्टनर होते हैं, ठीक है? आया समझ है नहीं अंकिता? समझ आ गए कितने पार्टनर होते हैं? 7 पार्टनर होते हैं, ठीक है? लिखो अब, चलो, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। द पार्टनर ऑफ अ फर्म, एफ आई आर एम फर्म, मे बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप्स। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट होता है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर।
एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, इन सबको खुद से डिस्क्राइब करना, ठीक है? मैं सिर्फ नाम नाम लिखवा रही हूँ, मैं समझा भी दिया कौन से क्या होते हैं। आया समझ या नहीं? ठीक है, और अगर समझ नहीं आएगा तो बाद में मैं आपको प्रोवाइड तो कराऊंगी ये नोट्स, उसमें देख लेना। फिर लिखो एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं कि वह बिजनेस में भी साझेदारी है उनके, और मेहनत भी उसी के साथ उतनी कर रहे हैं जितना कि वो कर रहा है हमारे सामने वाला, ठीक है? दूसरा होता है स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर कौन होते हैं जो कि सिर्फ बिजनेस में पैसा तो लगा रहे लेकिन मेहनत नहीं करते। स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर। दूसरा, थर्ड होता है नॉमिनल पार्टनर, NOMINAL, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं जो गवाह बनते हैं, ठीक है? जो किसी के नाम पे हमने क्या चला रखी, सलमान खान के नाम पे या मुकेश अंबानी के नाम पे या बड़ी बड़ी किसी भी हस्ती के नाम पे हमने अपना बिजनेस को चलाया, सिर्फ उसका नाम ही से हम क्या कर रहे हैं अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, NOMINAL, नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट होता है फोर्थ, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो सिर्फ क्या बनते हैं, प्रॉफिट के पार्टनर बनते हैं कि अगर इसमें प्रॉफिट होगा सिर्फ वो प्रॉफिट लेते रहते हैं अपना, ठीक है? चाहे कि उसको बिजनेसमैन को पार्टनर को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है, उसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। फिफ्थ होता है सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, SECRET, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं जो जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा है लेकिन वो सामने नहीं आया, किसी को पता ही नहीं है कि किसी के नाम पे बिजनेस, सबको लग रहा है कि मैं किसी का नाम से अपना बिजनेस चला रही हूँ लेकिन क्या सबको पता है कि मेरा नाम जयबा है और मेरे नाम के बिजनेस चल रहा है, ठीक है? वो से बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट होता है माइनर पार्टनर, MINOR, माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर होते हैं जिसकी एज 18 से कम होती है, ठीक है? वो होते हैं माइनर पार्टनर। नेक्स्ट होते हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय एस्टोपेल, ESTOPPEL, एस्टोपेल, पार्टनर बाय एस्टोपेल। ये कौन से पार्टनर होते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है? ये कुछ नया सा वर्ड है ना, तो इसलिए आपको ये होमवर्क देती हूँ, आपका काम है कि इसको मुझे परसों समझाओगे, ठीक है? अंकिता, जैबा, सुधांशु, जितने भी बच्चे आज हैं सबका रिकॉर्डिंग मेरे पास रहेगी, मैं उससे स्पेशल पूछूंगी पार्टनर बाय एस्टोपेल कौन होता है, ठीक है? अब आप मुझे समझाओगी पार्टनर बाय एस्टोपेल कौन होता है, और सुधा को बता देना, ठीक है? अंकिता, ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो बच्चे आज आए नहीं गर्ल्स में, आरती, सुधा और जो भी है उनको बता देना कि मैं वो मैम ने वाला वर्क दिया, मैम परसों पूछेगी, ठीक है? वैसे तो तुम्हारे क्लासेस शायद ऑफ रहेगी, अब एग्जाम है ना बच्चों के, इसलिए तो शायद ये अब तुम्हारी क्लास सितंबर के लास्ट में ही हो पाएगी, तो जब भी होगी इसलिए तो होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? पार्टनरशिप को डिस्क्राइब करना वो तो मैंने करा दिया है, साइलेंट फीचर लिखवा दिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप करेंगे, क्या होती है काइंड्स ऑफ पार्टनर, 7 तरीके के पार्टनर होते हैं, मैंने नाम बता दिए, इनको डिस्क्राइब करोगे। फिर होते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप 2 टाइप की होती है, कौन सी होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, ये भी आप खुद से देखोगे कौन कौन सी क्या होती है, ठीक है?
काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप होती है फर्स्ट, और दूसरी होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिखो, ये तो पार्टनर थे, अब होते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप, सेकेंड इज लिमिटेड पार्टनरशिप। कर लिया अंकिता? अब बताओ मैंने क्या क्या होमवर्क दिया है आपको। और इसको अच्छे से पढ़ोगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। साइलेंट फीचर मैंने लिखवा दिए हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको करनी है, ठीक है। और मैंने काइंड्स ऑफ पार्टनर्स लिखवाया आपको, सेवन टाइप्स के होते हैं। बता तो मैंने सबके बारे में दिया आपको, सिर्फ एक के बारे में नहीं दिया, वो आप खुद करोगे। बाकी आपको सिक्स क्या करने हैं, खुद से लिखने भी हैं कि कौन से क्या होते हैं, ठीक है। बाद में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ये तो गूगल क्लास पर कराएंगे, ये जैसे भी कराएंगे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। लेकिन खुद से, खुद भी थोड़ी सी मेहनत करो, तभी तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा शार्प होगा। और कंपैरिजन क्या क्या होगा, सोल प्रिपरेटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस का। ज़ेबा खातून, अंकिता माइक ऑफ करो अपना बाबू। ज़ेबा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, बताओ हेमेश। अच्छा आप बताओ, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसमें क्या होता है बताओ। इसमें ये होता है कि वन मैन बिजनेस होता है, सिंगल पर्सन अपना बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है। जो सिंगल पर्सन होता है वो बिजनेस का क्या होगा, ओनर होगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा कि अगर मैंने एग्जाम्पल दिया अंकिता का, तो इसमें अंकिता और मैं दोनों ही क्या हैं, पार्टनर हैं, ठीक है। तो इसमें हम किसी, अंकिता आप बताओ, चलो डिफरेंस बिटवीन। और कुछ, ठीक है। अगर क्या है, प्रॉफिट हो रहा है तो खुद हो रहा है, लॉस हो रहा है तो खुद हो रहा है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोनों को हो रहा है, लॉस हो रहा है तो दोनों को हो रहा है। और उसको कोई पर्टिकुलर ये भी नहीं पता चलता कि इसका ओनर कौन है, ठीक है। दोनों ही होते हैं, उसमें पार्टनरशिप में कर रहे हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में कर रहे हैं तो उसका ऑनर कौन होता है, खुद होता है वो, ठीक है। ये होता है अटेंडेंस लैब। माइक ऑफ करो अपना, किसका खुला है। मैं लगा रही जो जो प्रेजेंट है, ठीक है। हेमेश, चलो बोलो सब फिर। अच्छा आरती, आप दूसरा मत,
अफसार अली, अखिल कुमार, अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, आशुतोष वाजपेयी, दीपक, दीपांशु गर्ग, गौतम कुमार, मोहम्मद गुलबहार, गुलनवाज, हर्ष, हर्ष, हरेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अमानुल्ला, शाकिब, सलमान, सलमान प्रेजेंट है ना? ठीक है। शेरून, जुबैर, मोहम्मद उस्मान, नावेद, नीरज यादव, राहुल कुमार, रोहित सिंह, शाह ने आलम, सत्यनारायण सिंह, ठीक है, शाह ने आलम, सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, शाहिब आलम, शाकिर अंसारी, शिवम चौहान, सबान अली, सुहेल, तौसीफ आलम, प्रियंका, मोहम्मद उमर, फरमान अली, रोहन सैनी, ये कोई नहीं है। आरसीपी, आरसीपी में ना? हाँ जी, साहिब आलम तो आपका नाम है ही नहीं है। हाँ, ठीक है, लगा दी मैंने। ठीक है, आरसीपी, अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक, अफनान फारूकी, अकरम अली, अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आयुषी चौहान, कौन बीच में कौन बोल रहा है? आजम, दीपक, मोनिश त्यागी, हकमीम इदरीश, इरफान अली, जगेश कुमार, जॉनी कुमार, जुनेद, खेमिश राणा, खेमिश, जियाउद्दीन, आजिम, मुफीद, शाहरुख, शोएब, तालिब, तालीम, वसीम अंसारी, मुकरीम, नरेंद्र कुमार, नेहा जैन, निखिल चौधरी, परवेश डबराल, प्रदीप राठौड़, प्राखर, फुरकान अली, फुरकान अली, राहुल कुमार, सलमान, सलोनी चौहान, ठीक है, लगा दिया। समीर अली, शाहवेज आलम, शुभम कुमार, शहजाद, शाजिब अली, शेखर सैनी, शहब अंसारी, सुधा देवी, सुधांशु, सूरज कुमार, वैशाली सक्सेना, विशांत, विश्वजीत नागर, वसीम, वारिस जहीर खान, जेबा खातून, जिशान अहमद, मोहम्मद रेहान, आदेश कुमार, अनिल कुमार। ठीक है, थैंक यू। क्लास जो होमवर्क दिया है मैंने आपको, उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है? और आपकी क्लासेज अब सितंबर में सितंबर के लास्ट तक चलेगी, तब तक इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसको कर लेना, ठीक है ना? समझ आया सबको?